Hello everyone, this is Sopnali ma'am. In this biology session, we are going to discuss the concept of grain storage and animal husbandry from the lesson Improvement in Food Resources. So, in previous classes, we have discussed the methods of or techniques of increasing higher yield from the cropping field so in this class we are going to discuss storage of grains and next jo concept hai wo hai animal husbandry so jahan pe large amount mein grains ka jo production hai वो होता है तो throughout year ईयर हमें क्या करना है उसको स्टोर करना है प्रॉपर तो उस फूड फूड ग्रैंड को हमें सेफली स्टोर करना है अब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द लॉस ऑफ दैट ग्रंस सो दिस फैक्टर्स आर कैटेगराइज इन टू टू टाइप्स बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स बायोटिक फैक्टर्स सच एज इंसेक्ट्स सम रोडेंट्स हैं बर्ड्स फंजाई माइट्स एंड बैक्टीरिया एंड सम आर अबायोटिक फैक्टर्स सच एज़ मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर तो मॉइस्चर कंटेंट हमने देखा है कि कुछ ऐसे मेथड्स है जो कि ग्रेन को स्टोर करने से पहले हमें वो टेक् मेथड जो है वो यूज़ करने हैं जैसे कि सन ड्राइंग प्रॉपर ड्राइंग करना है उन फूड ग्रेन्स का फ्यूमिगेशन के भी टेक्निक्स है तो फ्यूमिगेशन भी हम कर सकते हैं वो जो जहाँ पे हम उसको सिलॉस है या फिर जहाँ पे हम ग्रेन स्टोर करने वाले हैं गोडाउंस है तो उसमें हमें फ्यूमिगेशन करना है उसको डिसइनफेक्ट करना है वहाँ पर भी सनलाइट के हेल्प से हमें क्या करना है पूरा वो एरिया जो है वो ड्राई रखना है तो ये कुछ मैथड्स है जिस जिस मैथड्स को हम यूज़ करके ये जो डैमेज होता है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं सो द वेरियस टाइप्स ऑफ डैमेजेस विच कॉज ड्यू टू सम बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स तो कौन कौन से ऐसे डैमेजेस हैं तो फर्स्ट वन जो है वो है डिग्रेडेशन इन क्वालिटी नेक्स्ट वन लॉस इन वेट पुअर जर्मिनेबिलिटी डिस्कलरेशन ऑफ प्रोड्यूस और प्रोडक्ट एंड पुअर मार्केटेबिलिटी सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डैमेजेस कॉज बाय द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स सो ग्रेन स्टोरेज जो है ये इम्पोर्टेंट है टू इंश्योर द एयर एवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर सो ये पार्ट है ग्रीन स्टोरेज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एनिमल हजबेंड्री तो एनिमल हजबेंड्री वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ एनिमल हजबेंड्री सो द एनिमल हजबैंड्री इज the management of animal livestock the management of animal livestock which includes various aspects such as animals feeding breeding and disease control animal husbandry is the management of animal livestock which includes various aspects such as animals feeding ब्रीडिंग एंड डिस कंट्रोल सो ये जो एनिमल हजबेंड्री के प्रैक्टिस हैं वो बहुत ही नेसेसरी है टू मीट मिट आउट द नीड ऑफ ग्रोइंग डिमांड ऑफ मिल्क एग्स एंड मीट सो so एनिमल हजबेंड्री में जो फर्स्ट हम देखने वाले हैं वो है कैटल फार्मिंग तो कैटल फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैटल हजबेंड्री इन आवर कंट्री कैटल हजबेंड्री इज़ डन फॉर टू परपजेस यहाँ पर ध्यान देखे ये हमें ये वन मार्क में क्वेश्चन आते हैं जैसे कि एनिमल हजबेंड्री जो है उनके परपजेस क्या है तो इसमें जो टू परपजेस है फर्स्ट वन इज़ फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज फॉर जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है उसके लिए हमें क्या करना है एनिमल सॉरी कैटल फार्मिंग जो है वो किया जाता है सो इसमें मिल्क प्रोडक्शन एंड ड्रॉट लेबर का जो है एग्रीकल्चर वर्क के लिए तो इनका जो रेयरिंग होता है इस परपज़ के लिए तो वो है कैटल हजबेंड्री सो दोज एनिमल्स विच यूज फॉर फार्म लेबर दे आर कॉल्ड एज ड्रॉट एनिमल्स सो फर्स्ट वन इज़ मिल्क प्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज़ आ, प्र, आ, फार्म लेबर्स जो है उसको हम क्या करते हैं ड्रॉट एनिमल्स को यूज़ करते हैं एज अ फार्म लेबर तो ये है कैटल फार्मिंग तो कैटल फार्मिंग में जैसे कि काऊ है बफेलोज है गोट है जैसे कि ऑक्स है तो इन एनिमल्स को हम अंडर द कैटल फार्मिंग इसको हम इसका रेयरिंग हम करते हैं जो एनिमल्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं uh, मीन्स इसमें दम मिल्क प्रोड्यूस फीमेल्स है जिनको हम कहते हैं मिल्च एनिमल्स और द फार्म लेबर जो है जो एनिमल्स हम फार्म लेबरिंग के लिए यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं ड्रॉट एनिमल्स तो ये एनिमल हजबेंड्री में जो कैटल फार्मिंग है इसमें ये एनिमल्स आते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पोल्ट्री पोल्ट्री इज़ द बेस्ट सोर्स

तो ये टू इसमें कैटेगरीज है जैसे कि फ़ॉर द पर्पज़ ऑफ ओनली एग्स एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ़ ओनली मीट और चिकन तो इसमें पोल्ट्री ब्रीड्स है ब्रीड्स हैं जैसे कि असिल और इंडियन जेम जो है बर्ड जिसको हम इंडिजिनस ये ब्रीड्स है फाउल के तो इसमें हम क्या करते कुछ सेलेक्टेड इनके जो पॉपुलर वराइटीज़ हैं तो उनको यूज़ किया जाता है पोल्ट्री फार्मिंग में जैसे कि पीला यानी कि गोल्डन रेड कलर की जो है याकूब ब्लैक एंड रेड कलर काजल जो है वो ओनली ब्लैक इन कलर वाइट लेग लेगहॉन है क्रॉस ब्रीड है तो वैरायटी ऑफ पोल्ट्री ब्रिड्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के लिए तो जैसे एनिमल हजबेंड्री में हमने कैटल फार्मिंग स्टडी किया तो उसका जो पर्पज़ है वो है फॉर मिल्क एंड फॉर फार्म लेबर तो वैसे यहाँ पे पोल्ट्री में एक एंड चिकन तो इसके लिए इसका रेयरिंग किया जाता है तो देर आर सम पोल्ट्री डिस तो इसमें से वो कुछ वायरल डिसीजेस है बैक्टीरियल है कुछ फंगल डिसीजेस हैं सम पैरासाइट्स आर आल्सो इन्फेक्ट दिस पोल्ट्री एनिमल्स जैसे कि वॉम्स हैं माइट्स है और यहाँ पर बैक्टीरियल डिसीज़ेस अगर हम देखते हैं तो ट्यूबरक्यूलोसिस हैं कॉलरिया है एंड डायरिया है, है तो ऐसे कुछ पोल्ट्री के डिसीजेस भी हैं तो ये है पोल्ट्री फार्मिंग नेक्स्ट वन इज़ फिश प्रोडक्शन सो फिश प्रोडक्शन में कैप्चर फिशिंग यानी कि जहाँ पे फिश को हम नेचुरल रिसोर्सेज से आ, उनको हम लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कैप्चर फिशिंग एंड नेक्स्ट वन जो है वो है कल्चर फिशरी जिसमें हम क्या करते हैं फिश फार्मिंग करते हैं कल्चर फिशरी मीन्स फिश फार्मिंग एंड कैप्चर फिशिंग मीन्स Obtaining fishes from natural resources. The fishes which are obtained from fresh water, like uh, ponds, lakes, and rivers or streams, they are called as fresh water fish. Just an example is labio, and uh, those obtained from the sea water, they are called as marine fish. Just an example Bombay duck, Pomfret. Hai. हर्पोडॉन है जो कि बॉम्बे डक हम उसको कहते हैं तो ये फिश है जो कि फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर ऐसे टू रिसोर्सेज से हम उसको ऑप्टेन करते हैं अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड फिशरी से रिलेटेड है जो कि है कंपोजिट फिश फार्मिंग तो कंपोजिट फिश फार्मिंग का मीनिंग क्या है तो जहाँ पे Uh, इस सिस्टम में क्या किया जाता है कॉम्बिनेशन किया जाता है फाइव और सिक्स फिश स्पेसिस का और उनको ग्रो किया जाता है सिंगल फिश पॉन्ड में जैसे कि हमने क्रॉप इसका जो देखा था इंटर क्रॉपिंग की जो मेथड्स देखी थी क्रॉप्स में या मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है तो इसमें हम एक सेम फील्ड पे कुछ पैटर्न्स को यूज़ करके इसमें मोर देन वन क्रॉप को एट ए टाइम हम ग्रो कर सकते हैं वैसे यहाँ पे कंपोजिट फिश फार्मिंग मींस कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव और सिक्स फिश स्पेसिस आर ग्रोन इन अ सिंगल फिश पॉन्ट तो इसमें क्या है तो जैसे हम कहते हैं कि जो क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं तो उनकी जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है जो उनके हाइट है उनके जो ब्रांचेस है ये सब कंसिडर करके हम सिलेक्ट करते हैं उन प्लांट्स को एक साथ उस फील्ड पर ग्रो करने के लिए वैसे यहाँ पर कुछ जो फिश है तो कटला अगर है एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कटला फिश का तो वो सरफेस फीडर है वैसे रोहू जो है वो मिडल जोन में रहता है पॉन्ड वाटर में एंड सम कार्प्स है और वो जो है वो बॉटम फीडर्स है एंड सम ग्रास कार्प्स है जो कि वीड्स uh, को एज अ फूड वो कंज्यूम करते हैं तो इसकी वजह से हम ये वैरायटी ऑफ फिश एट अ टाइम इस पॉन्ड में ग्रो कर सकते हैं सिंगल पॉन्ड में तो इस फार्मिंग की वजह से जो फिश एल्ड है वो इंक्रीज हो जाता है तो ये है फिश फार्मिंग नेक्स्ट वन इज बी कीपिंग बी कीपिंग में जो हम रेयरिंग करते हैं हनी बीज का तो उसको हम बी कप कीपिंग और एपिकल्चर कहते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स ऑप्टेन मेनी कमर्शियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज सो दिस इज़ नोन एज एपिकल्चर तो इसका यूज़ क्या है हनी का तो हनी जो है ये इसका ग्रेट इम्पोर्टेंस है ह्यूमन बींग्स के लिए बिकॉज इट्स मेडिसिनल वैल्यू एंड स्पेशली जो डिसऑर्डर्स होते हैं रिलेटेड टू डाइजेशन डिसेंट्री वोमिटिंग एंड लिवर एलिमेंट्स तो उसको ट्रीट करने के लिए हनी का यूज़ किया जाता है सो बी फार्म्स और एपरीज आर इस्टेब्लिश्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी Some uh, There are different varieties of bees which are used for commercial production of honey. Like local varieties of bees like Apis, Serena indica commonly known as Indian bee and next one is Apis dorsata that is the rock bee and Apis flora uh, that is little bee. Some are exotic varieties also Apis mellifera Italian bee. तो इनको यूज़ करके जो हनी का प्रोडक्शन है वो हम कमर्शियल लेवल पे कर सकते हैं एंड लास्ट पार्ट इज़ अ सेरिकल्चर इट इज़ कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक सिल्क ऑप्टेन फ्रॉम द सिल्क वाम्स तो सेरिकल्चर्स में जो सिल्क uh, वाम्स है उनसे जो प्रोडक्शन होता है सिल्क का तो उसका जो रेयरिंग होता है या उसको ऑप्टेन करने के लिए हम सेरिकल्चर करते हैं तो सिल्क फाइबर जो है वो क्या होता है सिक्रीशन होता है उन कैटरपिलर्स का ड्यूरिंग ककुन फॉर्मेशन तो उनकी जो लाइफ साइकिल होती है जो कि ये बॉम्बिक्स मोरी जो है ये एक वैरायटी है जो कि मलबेरी के लिव्स पे या ये क्या करते हैं उसको फीड करके वहाँ पे ग्रो होते हैं तो इनके जो लाइफ साइकिल होती है उन सिल्क वर्म्स की तो उनके लाइफ स्टाइल के साइकिल के टाइम पे ये क्या करते हैं इनके जो कैटरपिलर्स है वो ककून का फॉर्मेशन करते हैं अपने बॉडी के सराउंडिंग में और ये जो ककूनस है इनको क्या किया जाता है बॉईल किया जाता है और प्रोसेसेस किए जाते हैं और ककून से क्या किया जाता है उन थ्रेड्स को वहाँ से सेपरेट किया जाता है वैरायटी ऑफ सिल्क जो है हम उससे ले सकते हैं ये डिपेंड होता है कौन सी वैरायटी है उस सिल्क वर्म की तो ये डिफ़रेंट सिल्क जो है वो हम ऑप्टेन कर सकते हैं फ्रॉम सिल्क वर्म्स तो ये है सेरिकल्चर अब ये जो हमने डिस्कस किया ये जो पार्ट्स है वो सब आते हैं एनिमल हज में सो इसमें फिश प्रोडक्शन हमने देखा सेरिकल्चर है बी कीपिंग है कैटल फार्मिंग है इसको छोड़ के पर्ल कल्चर भी किया जाता है जैसे कि फाइलम मोल्यूस्का जो है इसके जो मेंबर्स है ये क्या करते हैं पर्ल को प्रोड्यूस करते हैं सो so, ये पार्ट है पूरा एनिमल हजबेंड्री का और